दोस्तों, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी हफ्ते दोनों की शादी होने जा रही है। रणबीर के साथ सात फेरे लेने का आलिया का सपना पूरा होने जा रहा है। आखिरकार उनके चाइल्डहुड क्रश उनके हम सफर जो बनने जा रहे हैं। वैसे ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आलिया रणबीर का पहला प्यार नहीं है। आलिया से पहले एक या दो नहीं बल्कि कई हसीनाओं का नाम रणबीर कपूर के साथ जुड़ चुका है। कुछ के साथ तो बात शादी तक भी पहुंच गई थी। देखिए, आलिया को दुल्हन बनाने से पहले रणबीर ने किन किन हसीनाओं का दिल तोड़ा था। अवंतिका मलिक, एक्टर इमरान खान की वाइफ अवंतिका मलिक का नाम रणबीर कपूर की चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड के नाम के तौर पर जाना जाता है। गुड लुक्स और चार्मिंग पर्सनैलिटी के कारण रणबीर अपने स्कूल डेज में प्लेबॉय रहे हैं। स्कूल टाइम में रणबीर ने अवंतिका को डेट किया था। नंदिता मेहतानी, फेमस फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी एक्शन स्टार विदित जामवाल की मंगेतर है। वो करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की पहली पत्नी भी रही है। वहीं नंदिता का नाम रणबीर के साथ भी जुड़ा था। जितनी जल्दी ये दोनों नजदीक आए थे उतनी ही जल्दी इनका ब्रेकअप भी हो गया था। सोनम कपूर और रणबीर ने अपने एक्टिंग की शुरुआत संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से किया था। साल 2006 से 2007 के बीच दोनों के रोमांस के किस्से खूब मशहूर हुए थे। हालांकि ये लव स्टोरी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी। दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर के बाद रणबीर ने खूबसूरत दीपिका पादुकोण के साथ दिल लगा लिया था। दीपिका ने रणबीर के साथ घर बसाने के सपने भी देख लिए थे, लेकिन अफसोस रणबीर ने दीपिका का दिल तोड़ दिया था। कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण के बाद रणबीर ने कैटरीना कैफ के साथ लव स्टोरी शुरू की। रणबीर के लिए कैटरीना कैफ ने सलमान खान को छोड़ दिया था। रणबीर और कैटरीना कैफ लिव इन में भी रहने लगे थे, लेकिन ये रिश्ता रणबीर के पेरेंट्स की नाराजगी के कारण टूट गया था। प्रियंका चोपड़ा, साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म अनजाना अनजानी के दौरान प्रियंका चोपड़ा और रणबीर कपूर की नजदीकियों ने सभी का ध्यान खींचा था। हालांकि बाद में दोनों ने नजदीकियों को दोस्ती का नाम दे दिया था। नरगिस पाखरी, फिल्म रॉकस्टार रणबीर की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। रणबीर जब इस फिल्म में काम कर रहे थे उस दौरान उनका नाम नरगिस पाखरी के साथ जोड़ा गया था। बाद में दोनों ने अपनी राहें अलग अलग कर ली थी। अमीषा पटेल, गॉसिप कॉलम के अनुसार अमीषा पटेल और रणबीर के बीच भी इसकी खिचड़ी पक चुकी है। कैटरीना से ब्रेकअप के बाद रणबीर अमीषा के करीब आए थे, लेकिन बाद में अमीषा भी रणबीर की जिंदगी से गायब हो गई थी। माहिरा खान, कैटरीना कैफ से ब्रेकअप के बाद रणबीर का नाम जिन हसीनाओं से जुड़ा उनमें पाकिस्तानी एक्टर माहिरा खान भी रही। माहिरा और रणबीर की तस्वीर उन दिनों बहुत वायरल हुई थी जिसमें वो दोनों साथ में स्मोकिंग कर रहे थे। एंजेला जॉनसन, मॉडल और किंग फिशर कैलेंडर गर्ल रही एंजेला जॉनसन के साथ भी रणबीर का नाम जुड़ा था। दोनों ने साल 2011 में तब सुर्खियां बटोरी थी जब उन्हें एक साथ स्पॉट किया गया था। श्रुति हसन और रणबीर कपूर को विज्ञापन में दोनों को साथ में देखा गया था। तभी से इस अफेयर को लेकर अटकलें लगनी शुरू हो गई थी। हालांकि बाद में एक खबर भी हवा हो गई थी।